आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के ऊपर मेरे चैनल पर पूरी एक वीडियो है जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन ये सब बताया बताएगा आप जरूर जाकर चेक करना फर्स्ट डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन अक्कर इन एनी मीडियम किसी भी मीडियम में डिफ्यूजन हो सकता है चाहे वो लिक्विड हो सॉलिड हो चाहे गैशियस मीडियम हो ठीक है लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है वो केवल लिक्विड मीडियम में ही होता है सेकेंड है कि जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल होता है अब किसी ना किसी चीज का तो डिफ्यूजन होगा ना तो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल होता है वो सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है ठीक है लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल होता है वो केवल सॉल्वेंट ही हो सकता है ठीक है थर्ड है कि डिफ्यूजन की प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है क्यों रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि मूवमेंट केवल सॉल्वेंट की होती है सॉल्यूट की नहीं होती ठीक है फोर्थ डिफरेंस ये है कि जब डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है ठीक है डिफ्यूजन की जब प्रोसेस होती है केवल डिफ्यूजन प्रेशर ही प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है इसके अलावा कोई और प्रेशर इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. लेकिन ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है जो टर्गर प्रेशर होता है ना सिस्टम का वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है आपको एक एग्जांपल बताते हैं प्लांट्स में क्या होता है कि जो प्लाज्मोलिसिस और डीप की प्रोसेस होती है ना प्लांट्स की सेल्स में वो रेगुलेट होती है ऑस्मोसिस के थ्रू ही ठीक है फिफ्थ डिफरेंस ये है कि डिफ्यूजन में होता क्या एक्चुअली में द मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ठीक है स्मॉल पार्टिकल्स का डिफ्यूजन होता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है देखो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ध्यान से देखना सभी कंफ्यूज होते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है इट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट ठीक है इतना तो सबको पता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होती है फ्रॉम ए लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देखो सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ से हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ से ठीक है नेक्स्ट है डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ये है कि आप जब भी शादी पार्टी कहीं पे भी जाते हो तो क्या करते हो अपनी बॉडी पे परफ्यूम लगाते हो आपने रूम के एक कोने में खड़े हो अपने आप अपनी बॉडी पे परफ्यूम लगाया लेकिन जब आप दूसरी मतलब उसी रूम के दूसरे कोने में जाते हो तो क्या होता है आपको वहाँ पे भी खुशबू आती है परफ्यूम की तो वो इसीलिए आती है क्योंकि डिफ्यूजन हुआ है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू तो लोअर कंसनट्रेशन जहां पर आपने परफ्यूम लगाया उस टाइम पर वहां पर मॉलिक्यूल्स की हाई कंसनट्रेशन थी ठीक है लेकिन उसी रूम के दूसरे पार्ट में कंसनट्रेशन मॉलिक्यूल की कम थी अब डिफ्यूजन क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है मॉलिक्यूल को ठीक है तो क्या डिफ्यूज़ हो गया पूरे रूम में अब में अब ऑस्मोसिस क्या है इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जब सीड जर्मिनेशन होता है ना तो उस टाइम पे क्या करते हैं सीड्स को पानी में डाल देते हैं अब पानी में जब सीड्स को डाला गया तो क्या होता है उसके बाद सीड गीले हो जाते हैं ना जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है वो इसीलिए हो जाता है कि जो एब्जॉर्बन ऑफ वाटर होता है ना सीड का जर्मिनेशन के टाइम पे वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही होता है ठीक है अभी मैंने आपको बताया था ना Uh, कि भाई जो प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होती है वो कंट्रोल होती है ऑस्मोसिस से ठीक है नेक्स्ट है कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि फ्लो ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल डायरेक्शन रूम के एक कोने में परफ्यूम लगाया है लेकिन सारे मतलब उस रूम के पूरे रूम में परफ्यूम परफ्यूम हो जाता है ठीक है लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है फ्लो ऑफ पार्टिकल ओनली इन वन डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है ठीक है नेक्स्ट है कि डिफ्यूजन डू नॉट रिक्वायर्स वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अब परफ्यूम लगाया है उस टाइम पे ऐसा तो नहीं होता ना क्योंकि वाटर डालते आप अपने ऊपर ठीक है ऐसा तो नहीं होता ना कि वाटर डाला लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है रिक्वायरमेंट होती है वाटर की फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ठीक है सॉल्वेंट की ही मूवमेंट होती है ये जो डू नॉट ये लिखा हुआ ना ये गलती से लिखा हुआ है इसको मत लिख लेना कहीं कमेंट कर करके बोलो डू नॉट डू नॉट लिखा हुआ ठीक है नाइन्थ है एक बीकर लिया जब आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस लिखो तो आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते हो ये फोर अंडरस्टैंडिंग है ठीक है एक बीकर लिया उसमें वाटर डाला साइड में उसमें आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है ठीक है थोड़ी देर बाद आप देखोगे पूरा वाटर ब्लू हुआ क्यों हो गया क्योंकि मूवमेंट हुई है पार्टिकल्स की ठीक है मूवमेंट हुई है पार्टिकल्स की फ्रॉम हायर ये हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा पानी ब्लू हो गया अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या हुआ एक यू ट्यूब्रेटिस लिया ठीक है सेंटर में आपको रेड सी लाइन दिखाई दे रही है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको ये तीन डॉट सी दिखाई दे रही है ये है सोल्यूट और यहाँ पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कैसी है कम है ठीक है यहाँ पे सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कैसी है ज्यादा है अब ये आपको डॉट डॉट सी दिख रही है ये वाटर है ठीक है इसकी अमाउंट देख लो यहाँ तक है यहां पर यहां तक है अब क्या होगा अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो जो सॉल्वेंट क्या है वाटर क्या है वाटर है सॉल्वेंट है ठीक है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो वाटर ही है तो वाटर की मूवमेंट कहां से हुई लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ से हुई हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ से देखो यहां पे वाटर का लेवल कम हो गया यहां से गया सेमीफर्मीएबल के थ्रू यहां चला गया मेम्ब्रेन के थ्रू यहां चला गया ठीक है